नमस्कार दोस्तों, टेक्नोटेक बीपीएन चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे हमारे मोबाइल फ़ोन पर डेवलपर ऑप्शन कैसे एक्टिव किया जाता है। पहले हम हमारा मोबाइल फ़ोन पर सेटिंग जाए, सेटिंग पर क्लिक करेंगे, फिर अबाउट सेक्शन में क्लिक करेंगे, फिर बिल्ड नंबर 7 बार टैप करने पर हमारा डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। फिर हम चलते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। अब हमारा मोबाइल स्क्रीन ओपन हो गया है। हम अभी सेटिंग पर क्लिक करेंगे, फिर जाकर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर हम जाकर सिस्टम में क्लिक करेंगे। सिस्टम पर क्लिक करने के बाद और एक नया मेनू ओपन हो जाएगा। फिर देखिए नीचे हमारा डेवलपर ऑप्शन शो कर रहा है। डेवलपर ऑप्शन शो करने के बाद इसका पैनल बोर्ड जो स्क्रॉल बार में ये सब ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है। आज हम जानेंगे जो इम्पोर्टेंट ऑप्शंस है डेवलपर में जो हमारा काम में आएगा, तो हम इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों हम डेवलपर ऑप्शन ओपन करने के बाद हमारे जो पहले वाले जो ऑप्शन अभी शो कर रहा है सिस्टम अवेक, इसका काम है जब हम मोबाइल चार्ज करेंगे तो मोबाइल जब चार्ज करेंगे तो मोबाइल का स्क्रीन ऑफ नहीं होगा, कंटिन्यूस ऑन रहेगा। USB डीबगिंग के माध्यम से हम हमारे USB केबल के माध्यम से हम हमारा मोबाइल फ़ोन से PC या लैपटॉप से हमारे मोबाइल के डाटा इजीली शेयर और ट्रांसफ़र कर सकते हैं USB डीबगिंग एनाबल करके। नेक्स्ट है शो रिफ्रेश रेट एनाबल करने पर हमारा मोबाइल पर कितना टच सैंपल रेट शो करेगा, 60 रिफ्रेश रेट या 90 रिफ्रेश रेट, ये हमको पता चल जाता है। विंडोज़ एनिमेशन स्केल के बारे में आज जानेंगे। विंडोज़ एनिमेशन स्केल जब हम एक्टिवेट करेंगे, जितना कम रेशियो हम सिलेक्ट करेंगे हमारा मोबाइल स्क्रीन उतना फास्ट रीओपन होगा। दोस्तों ये था कुछ डेवलपर ऑप्शन के सेटिंग के बारे में। थैंक यू सो मच।